नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉलेजों में सेकंड और थर्ड ईयर वालों की पिछले सोमवार से जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी है, ठीक है, उनकी पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है। तो ऐसे में जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनकी कब से लगेगी नियमित कक्षाएँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कब से उनके रेगुलर क्लासेस लगेगी, उनकी क्लासेस ऑफलाइन लगेगी या ऑनलाइन लगेगी, या उन्हें कॉलेजों में बुलाया जाएगा या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, वीडियो के नीचे रेड कलर बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल या घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं अभी तो फिलहाल एडमिशन ही चल रही है, तो 1 सितंबर से लग सकती है उनकी नियमित कक्षाएं। आइए मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में 18 वर्ष आयु से अधिक के विद्यार्थी होते हैं, ऐसे में कॉलेजों में नियमित कक्षाएं खोलने का विचार है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके 1 सितंबर से रेगुलर क्लासेस लग सकती है, तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 88% विद्यार्थियों को वैक्सीन भी लग चुकी है। 16 अगस्त से कॉलेजों में द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉलेजों में सेकंड और थर्ड ईयर वाले हैं उनके सोमवार से 16 अगस्त से उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, कक्षाएं शुरू हो चुकी है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होगी, ठीक है। इन कक्षाओं को ऑनलाइन ही जारी रखा जाए या ऑफलाइन शुरू करना है, इसको लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके जो कक्षाएँ हैं वो उन्हें ऑनलाइन ही की जाएगी या ऑफलाइन की जाएगी, उन्हें कॉलेजों में बुलाया जाएगा, उसका फैसला जल्द लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर भी कॉलेज आने के लिए तैयार रहना चाहिए। UGC ने भी 1 सितंबर से कक्षा लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बाबत अंतिम फैसला कोरोना संक्रमण के मामलों की स्थिति को देखने के बाद ही लिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को बताया कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में संस्थान खोलना, कॉलेज स्कूल खोलना तो बंद ही रहेंगे। जैसे कि आप सभी को बताया, अगर केसेस बढ़ते रहे तो स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, अगर केसेस में कोई सुधार आता है तो कॉलेज खोल दिए जाएंगे, स्कूल खोल दिए जाएंगे। अभी सेकेंड और थर्ड ईयर वालों के ऑनलाइन ही कक्षाएं लग चुकी हैं, तो 1 सितंबर से लगेगी फर्स्ट ईयर वालों की कक्षाएं, ठीक है। ये ऑफलाइन या ऑनलाइन लगेगी ये इसमें बता दिया जाएगा, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ऑनलाइन लगेगी या ऑफलाइन लगेगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरे चैनल पर इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यही थी अभी की लेटेस्ट न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की, कि कॉलेजों में 1 सितंबर से लगेगी नियमित कक्षाएं फर्स्ट ईयर वालों की, और सेकेंड थर्ड ईयर वालों की ऑनलाइन कक्षाएं लग चुकी हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।